सिद्धार्थनगर पुलिस स्मृति दिवस व पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय प्रांगण में फायर सर्विस सिद्धार्थनगर द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव हेतु मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। पुलिस स्मृति दिवस व पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के अनुक्रम में अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश के क्रम में आज पुलिस कार्यालय प्रांगण में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में फायर सर्विस टीम सिद्धार्थनगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वितीय नसरुद्दीन खान तथा लीडिंग फायरमैन विजय पाल सिंह मय अग्निशमन बल द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव हेतु मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। इस दौरान आग लगने की स्थिति में प्राथमिकी नियंत्रण एवं भयावह स्थिति में नियंत्रण के उपाय और सुझाव अग्निशमन बल द्वारा दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने विद्यालय के बच्चों को आग पर काबू पाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए इसके बारे में बताया। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। दिवस के उपलक्ष्य में वीक लॉन्ग पुलिस के अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं। आज ये फायर सर्विस के द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया है। किसी से बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो किस प्रकार फायर सर्विस वहाँ के लोगों की मदद करती है, आग को बुझाती है। इसमें यहाँ पे विभिन्न स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया, उनको भी जागरूक किया गया। साथ ही अगर कोई आपदा आती है तो किस तरह आपको रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह आपको कार्रवाई करनी चाहिए कि आप लोग सेफ रहें, साथ ही आपके आसपास जो लोग हैं वो भी सेफ रहें। और ये हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें शस्त्र की भी प्रदर्शनी हमारी पुलिस लाइन में चल रही है 31 तारीख का। इसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए गए, इस प्रकार से लोग आसपास से जो लोग हैं विद्यार्थी हैं जो